बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मशक 4.2 का सवाल नंबर 4 और 5 हल करेंगे। पहले देखें सवाल नंबर 4। अगर एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 78 और एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स इज इक्वल टू 59 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड की कीमत मालूम करें। ये उर्दू मीडियम में तो लिखा हुआ था, आप इंग्लिश मीडियम देखें वो भी यही है, यही मशक, यही सवाल। ये देखें चौथा सवाल इंग्लिश मीडियम बुक में, इफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसकी कीमत आपने फाइंड करनी है, मालूम करनी है। देखें कोई फ़र्क नहीं है, ये स्टूडेंट्स जहन से निकाल लें कि इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम में कोई फ़र्क है, बिल्कुल एक ही मैथ है। ये देखें पहले डाटा आपने लिख लेना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 78, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 59, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन में से तीनों में से बारी बारी कभी ये मालूम करने के लिए कभी ये कहा जाता है, दो का डाटा दिया होता है। तो आपने तीनों का ये फार्मूला वही लगाना है जो ये तीन रकम का होल स्क्र है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्र। ये किसके बराबर आता है देखें ज़रा, ये साइकिल सा बना लें, पहली रकम का स्क्वायर यहाँ से शुरू कर लें एक्स से, तो ये एक्स स्क्वायर, फिर ये दूसरी रकम का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, फिर तीसरी रकम का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू ये एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ये टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ये देखें हमने लिख लिया, पहले इसका स्केयर, फिर इसका स्केयर, फिर इसका स्केयर, फिर दो ज़रब पहली ज़रब दूसरी, फिर दूसरी ज़रब तीसरी, फिर तीसरी ज़रब चौथी, ये सात दो दो लगाते, तीसरी ज़रब पहली, ये आपने सात दो दो लगाते जाना है। अब इसमें कीमतें दर्ज कर लेंगे, ये कुलिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कीमत आपने मालूम करनी है, तो ये उसी तरह रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर ये देखें इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये 78 है प्लस टू, यहाँ से कॉमन निकाल लें टू, ये तीनों वैल्यू में से। तो मैंने पहले भी बताया था पिछले सवाल में भी कि आप डायरेक्ट भी इसकी बजाय आप ये लिख सकते हैं प्लस टू इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो इसमें कीमत अगले स्टेप में दर्ज करते हैं। यहाँ पर देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड जिसकी कीमत मालूम करनी है वो उसी तरह ही रहेगा। अब ये 78 है तो प्लस टू इंटू इसकी कीमत दर्ज करें, क्या कीमत है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की 59, ये देखें ये हमने उन ये लिख दिया 59। अब देखें ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ तक कि ये इसको मोस्टर करके एक वैल्यू बनाना है, 9 2 बार 18, 5 2 बार 10 और 11 118 बन गया है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 8 8 16, 7 और 1 8 1 असल था 9, तो ये 196 बन गया है। हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो कैसे निकलेगा, इसका जजर लेना पड़ेगा। ये देखें मुरब्बा ख़त्म करने के लिए मुरब्बा ख़त्म करना है, ये 196 उसी तरह है, दोनों साइडों पर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये देखें अंडर रूट हमने ले लिया दोनों तरफ, तो जब अंडर रूट लिया है तो याद रहे कि दूसरी साइड पर ये जिस तरह मुश्किल है प्लस माइनस की लामत रूल लगाना है, क्या मैंने कहा है, जब भी अंडर रूट आप लें तो मुश्किल वाली साइड पर प्लस माइनस जरूर लगाएं, क्योंकि जब इसका दोबारा आप स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस भी वही होगा माइनस भी, अब हमें नहीं पता ये प्लस की कीमत है या माइनस की, तो ये प्लस माइनस दोनों की कीमत कोई भी हो सकती है। आप इस तरह लिखेंगे, ये स्क्वायर जजर से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा प्लस माइनस, और ये जजर जो है किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर से ले लें 196, तो यही सॉरी 14, 196 का जजर लें तो क्या होता है 14 ज़रब 14 196, तो ये इसका मतलब इसका जजर ये है, यही इसका आंसर है। अब ये पाँचवा सवाल देखें, ये पहले उर्दू मीडियम की इबारत देखें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 64 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की कीमत मालूम करें। आप इंग्लिश मीडियम में देखें इसका तर्जमा बिल्कुल यही कीमतें हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की हाश पर मैंने साथ इंग्लिश बुक भी रख लिया है। तो ये देखें इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसकी कीमत निकालना है, वही फार्मूला लगाना है जो पहले लगाया है। ये देखें डाटा मैंने लिख लिया है, बिल्कुल वही सवाल है एक्स जमा वाई जमा जेड। तो यहाँ पे एक्स जमा वाई जमा जेड का होल स्केयर लिख लेंगे। ये फार्मूला तीन रकमों का स्केयर बराबर होता है। ये देखें पहली रकम का स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये देखें पहली दूसरी और तीसरी का स्केयर प्लस टू, बेशक कट्ठा लिख लें, मैंने कहा था कट्ठा भी लिख सकते हैं, पहले भी बताया है टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख लें या फिर कामन निकाल लें। ये चलें कट्ठा कर लेदा लेदा कर लेते हैं एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं या यहाँ से कॉमन करके टू इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वो आप भी करना है वो निचले स्टेप में हम कर रहे हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पे कीमतें दर्ज कर लें एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये 12 का होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर के जगह पे 64 प्लस ये तीनों की जगह पे कीमत हमने दर्ज किया है, ये देखें 64 है। तो ये मालूम करनी है, यहाँ से कॉमन निकाल लें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये देखें आप ज़रा गौर करें ये 12 का स्केयर है, 12 का स्केयर 12 144 तो 64 वैसे ही है। ये इस साइड पर ले आएँ नेक्स्ट स्टेप में या इसी स्टेप में ले आएँ, चलें इसी स्टेप में हम दूसरी साइड पर ले आते हैं। इस साइड पर आकर ये 64 जो है ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखें बराबर का निशान मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये इसका मतलब है कि ये राइट साइड से हम लेफ्ट साइड पर लेके गए हैं यानी बाएं से दाएं से बाएं। तो ये लामत तब्दील हो जाएगी और बाकी ये देखें 2xy जमा yz जमा zx। बस स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ से ही तकसीम भी ये तफरीक कर लेते हैं, दो तफरीक नहीं करना, ये उसी तरह रखना है। याद रहे कि अगर आप इसको तफरीक कर लेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। आप देखें इस साइड पर 144 में से आपने 64 निकालना है, 4 में से 4 बाकी 0 और 14 में से 6 बाकी 8, 80 आ गया है। अब हम तकसीम करने लगे हैं, ये देखें हमें तो चाहिए एक्स वाई, ये एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स, लेकिन इसके साथ 2 भी है तो 2 पर तकसीम कर देते हैं। ये देखें दोनों तरफ 2 लिख के 2 एक बार 2 तो ये ऊपर 40 यानी 40 आ गया है, तो ये 40 नीचे लिख लें यही आंसर है। ये देखें ये आपका मतलूबा जवाब है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुँच सके। थैंक यू।